हेलो गाइस, मैं रश्मि देसाई से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। रश्मि देसाई की एक्सक्लूसिव उनकी जो इंटरव्यू है वो सामने आई है, जिसमें रश्मि देसाई ने रो रो कर अपनी जो बातें हैं वो सभी लोगों को बताई है। और सच में जो रश्मि देसाई ने अपनी फैमिली के बारे में, अपनी माँ के बारे में खुलकर बताया है, उसे जानकर तो सभी फैंस भी बहुत दुखी होंगे। तो हम आपको बताते हैं कि जब रश्मि देसाई इंटरव्यू दे रही थी, तब रश्मि देसाई को बार बार ये पूछा जा रहा था कि आप कब काम करने लगी, आप कैसे थी, आप बचपन आपका कैसा था। तो रश्मि देसाई ने सीधे रूप से कह दिया कि मेरा बचपन बच्चों की तरह नहीं था, क्योंकि मैंने एक बच्चों की लाइफ नहीं जी है। मैं हमेशा वहाँ पर भी सिंसियर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ अकेली थी हमको एक साथ रखने के लिए, और उनके पास इतना सारा पैसा नहीं था कि वो हमें तीन बहन भाइयों को एक साथ वो अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा जीवन दे सके। बहुत मैंने दुख देखे एक पैसे के लिए, और जिसके कारण मैं छोटी हुई उम्र में मैं डांस सिखाने लग गई थी, जिसके कारण मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता था और मैं अपनी माँ की हेल्प कर देती थी। मेरी माँ ने हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होकर हमें संभाला है। कभी कभी तो मैं अपनी माँ को ये कह देती थी कि तू थकती नहीं है, तू इतना ज़्यादा कैसे कर लेती है, इतना सहन कैसे कर लेती है। मैं सच में बताती हूँ कि मेरी लाइफ में इतने बुरे बुरे दिन आए हैं कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास खाना भी नहीं था, हम खाने से भी भूखे रहते थे। अगर हमारे पास कोई भी खाना आता था उसको हमेशा तीन पार्ट में बांट कर दिया जाता था, क्योंकि हमारे पास हमारे पेट भरने के लिए खाना नहीं था। जिसके कारण मुझे सच में अपना बचपन, जो मेरी बचपन की बाद की लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा इंजॉय वाली होती है, लेकिन मेरा वैसा कुछ भी नहीं था। मेरी लाइफ में सिर्फ ऐसा था कि अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना है और पैसा कमाना है। मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉय नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपने काम को और अपनी जिम्मेवारियों को लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अगर अपनी माँ की हेल्प करूँगी तो मेरी माँ शायद खुश रह पाएगी, हमारा खर्चा उठा पाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और कहीं ना कहीं रश्मि देसाई की इतनी सैड लाइफ देख कर सच में हमें भी बहुत दुख हुआ कि वाकई में इतना जो नाम कमाने के पीछे जो इतने बड़े बड़े स्ट्रगल किए हैं, उनकी लाइफ उनके जन्म से लेकर इतने बड़े बड़े स्ट्रगल किए हैं, वो वाकई में ही लाजवाब है। इतने बड़े स्ट्रगल करने के बाद अगर एक बंदा इतना बड़ा नाम कमा लेता है, वाकई में उनको सल्यूट है। और वाकई में मैं रश्मि देसाई को हमेशा ही पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रांग है और वो हमेशा ही हंसती रहती है, अपने दुख को हमेशा छुपाती रहती है। मुझे सच में उनकी ये बात बहुत बढ़िया लगती है। आई होप आप भी मेरी बातों से सहमत होगे और आपको भी रश्मि देसाई की ये बातें बहुत बढ़िया लगती होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और उनसे जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।